Election of the Prime Minister. Mia Muhammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi Saab ko koi vote nahi poll hua. Mia Muhammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Now I give the floor to the Honorable Prime Minister of Pakistan. Honorable Speaker, ye tareekh mein pehla mauka hai ke vote of no confidence ki motion kamyab hui aur haq ki कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म झुर्रू की पैदावार वज़ीर आज़म को आईन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है। जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है, तो इसको आप क्या कहेंगे मासवाए अल्लाह ताला का बेपायम फजलो करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आइन शिकनी को कलदम करार दिया और उन्होंने नज़रिया दुरुद को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पिछले 1 हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिढाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा ख़त आया, कहाँ से आया, ना मैंने वो ख़त देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बड़े डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि हम इस करप्ट तारीख की करप्ट इनकॉम्पिटेंट लेट बैक हुकूमत के ख़िलाफ़ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। फिर हम पीडीएम में गए और पीडीएम में इसका फैसला हुआ और इस तरह 8 मार्च को ये करारदाद जमा कराई गई। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि ख़त 7 मार्च को आया। जिस तरह मैंने हकायक बताए हैं कि हमारी मीटिंग्स उससे कई दिन पहले हुई और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे। बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए जिसमें मुसल्ला फाज के तमाम सरबरा मौजूद हों, जिसमें डीजी आईएसआई हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफर हो गई। मैं समझता हूं कि हमें फिलफौर अनदेर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं अपनी तरफ से और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शर्ड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा ना खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर उस खुदाए बुजुर्ग बर्तर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। अगर हमने ज़िंदा रहना है
तो एक बावकार और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। उसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका महाफ़िज बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था जनाब स्पीकर। इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा, फिर मुखासमत से नहीं मुफामत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब भी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायदे आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई। मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया और माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया, जिसको मैं आपको अर्ज करता हूँ जनाब स्पीकर, अब साल लग जाएंगे उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए, कई साल लग जाएंगे। और वो इसके बगैर नहीं होगा कि हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो हम दोबारा इस मुल्क को उसके असल मंजिल की तरफ हम लेके जाएंगे, वगरना मैं समझता हूँ कि फिर मुश्किलात, मायूसी खुदा ना खास्ता हमारा मुकद्दर होगी। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए कि मैं 300 अरब डॉलर ले आऊँगा और मैं 1 रुपया अपना तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो उस वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर अगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देनी थी तो इस शेर में अपना है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। मैंने मिसा के मस्जिद की पेशकश की थी बड़ी सोच समझ के, मगर उसका जो हश्र हुआ जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। और फिर उससे अगले साल फिर मैंने दोबारा मिसाके मईशत की पेशकश की, उसका भी हशर नशर वही हुआ जो मैंने 1 साल पहले किया था। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, अगर इनमें जज्बा होता, अगर इनमें पाकिस्तानियत का जोश होता और अगर ये जोम में और अपने एक एरोगेंस में ना होते तो उस पेशकश को कबूल करते तो आज क्रेडिट इनको मिलता, पाकिस्तान आगे जा रहा होता और आज लाखों लोग आज बेरोज़गारी के कुएं में धकेले ना जा रहे होते। बहरहाल वो जनाब स्पीकर वक्त गुजर गया, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दोचार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता। कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवा माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाज़ा कीजिए 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है। और जो करंट अकाउंट, जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी
तारीख का सबसे बड़ा खुदा ना खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खत इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं। दिल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता। हम उठेंगे और उठेंगे और उठेंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाल्लाह। कम से कम महाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं, इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। पेंशनर्स को इस सबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं कि पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध बलूचिस्तान पंजाब और महरान की वादियाँ और KPK है। इसलिए जनाब स्पीकर, अगर ये 3 सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। कि हम CPAC को इंशाल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और रजीम करेंगे। चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क्यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हम खादम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई, तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, मुत्तहिदा अमारात, इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, उमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरक वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मजीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जहाँ स्पीकर यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज शिफ्ट टूवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। GSP+ की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। हमें बरतानिया, जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। क्या हमें पाकिस्तान से, हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। जो गासबाना कब्ज़ा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं लेकिन मसला कश्मीर के मुनसफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता? फलस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हमें बिला ताखीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तलाफात की लकीर को ख़त्म करना होगा। मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है।